गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले सभी दलों के दावों का सिलसिला चालू है। जहां एक तरफ मोदी और राहुल में चुनावी जंग देखने को मिल रही है, वहीं एक जंग और है जो कि हर रोज नया मोड़ ले रही है। ये जंग है पाटीदार अनामत आंदोलन समिति और बीजेपी के बीच। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी से जंग छेड़ रखी है। कहने को हार्दिक इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका पूर्ण मकसद साफ है, जो कि है बीजेपी को हराना। पूरे चुनाव प्रचार में हार्दिक ने बीजेपी पर कई बार हमला किया, जिसका बीजेपी ने हर बार पलटवार भी किया है। लेकिन मतदान से दो दिन पहले ही बीजेपी ने हार्दिक को एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने लेवा पटेल नेता और खोडल धाम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश भाई पटेल से मुलाकात की। बीजेपी का दावा है कि नरेश पटेल अपने समुदाय के लोगों से बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि नरेश पटेल लेवा पटेल नेता हैं। उनकी पाटीदार समुदाय में काफी पहुंच है। गौरतलब है कि गुजरात में पाटीदार वोटरों में करीब 60% लेवा पटेल और 40% कड़वा पटेल हैं। एक तरफ तो हार्दिक बीजेपी के विरोध में हैं और उनकी कोशिश है कि पाटीदारों का वोट शेयर बीजेपी को ना मिले, लेकिन अब बीजेपी को मिले लेवा पटेल नेता नरेश पटेल के समर्थन से हार्दिक को बड़ा झटका मिल गया है। बता दें कि इससे पहले भी हार्दिक की सेक्स सीडी पर हो रहे विवाद पर हार्दिक ने बीजेपी पर आरोप लगाया था और कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को भी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मौज करो। अब पाटीदार समाज को समर्थन किसका मिलेगा, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वेन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।